कोई आपको जितना भी बर्बाद करने की कोशिश कर ले, लेकिन जब तक अल्लाह का साथ आपके साथ है, कोई भी आपको बर्बाद नहीं कर सकता। चिंता पूरी दुनिया को दिए। ও নবী দিও দেখা কঠিনি ঘাসুরি ময়দানে, যেদিনে উম্মতে কাঁদবে শুধু নাফসিয়া নাফসি। আল্লাহ কা করম হ্যায় ইনায়াত হ্যায় বেটিয়া, কুরআন কহ রাহা হ্যায় কি রহমত হ্যায় বেটিয়া। তোমরা স্ত্রীর চোখে পানি আসতে দিও না, কেননা স্ত্রীর চোখে পানি ঝরলে স্বামীর রুজি রোজগার বরকত সবই কমে যায়। याद रखना दोस्तों, कभी भी सफर में गाने मत सुनना, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया, जो शख्स सफर में गाने सुनता है उसका साथी शैतान बन जाता है, और जो शख्स सफर में अल्लाह का जिक्र करता है तो उसका साथी फरिश्ता बन जाता है। आप फजूल वीडियो। कुरान में एक सूरत है सूरह अलहाक का, अगर किसी औरत का हमल गिर जाता हो तो इस सूरत को लिख कर पहना दी जाए तो हमल महफूज रहेगा, और अगर बच्चा पैदा होते ही इस सूरत का पढ़ा हुआ पानी पिला दिया जाए तो बच्चा जहीन होगा और हर बला से महफूज। अल्लाह पाक हम सब बेटियों की नसीब अच्छी करे, क्योंकि बेटियों का माँ बाप और अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता। मेरी माँ कहती है, वो जो अंधेरे में भी साथ ना छोड़े किसी का, ऐसा साया बनो किसी का। वो कहते ना कि ससुराल में दामाद की इज्जत क्यों ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये वही महान आदमी है जिसने हमारे घर का तूफान संभाले रखा है। कल जुमा का दिन है, या अल्लाह इस दिन के सदके हम सबके सगीरा व कबीरा गुनाह माफ फरमा। पांच सेकेंडर एक दुआ एक बार पढ़ले 7000 दिन पर्यंत फेरेश्तारा आपनार जन्य सब लिखते थाकबे, सेटा होच्छे जजल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलु। किसी के घर बार बार जाओ तो इज्जत कम हो जाता है, मगर एक अल्लाह ही का घर ऐसा है जहाँ बार बार जाओ तो इज्जत बढ़ जाती है। कि औरत के सर पर इज्जत की चादर वही मर्द पहनाता है जो खुद इज्जतदार होता है। शौहर को बीवी के साथ इतना खुश होना चाहिए ताकि बीवी दुआ करे, मेरे बेटी को भी ऐसा शौहर मिले। हमारा इस्लाम कहता है, अपने मजहब की लाख तारीफ करो मगर दूसरे के मजहब की एक बुराई भी मत करो। आयनार सामने अपनी जखन दाड़ाबेन, अपना स्त्री जखन दाड़ाबे, अपनार बच्चारा जखन दाड़ाबे, बोले दिबेन बाबा आयनार सामने दाड़ानोर दोआ पड़ो, कत असाधारण दोआ পড়েন আওয়াজ করে আমার সাথে, আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা হাসান দা খালকি হাসান। जो परेशान होते हैं ना, उनकी ज्यादा तकलीफ होता है। अपने अल्लाह से अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते। अगर किसी शख्स को नींद ना आती हो, रात रात भर जागता रहता है, घबराहट सी होती रहती है, तो कोई दवा खाने की जरूरत नहीं। सोने से पहले दिल पर हाथ रखकर 11 मरतबा ला इलाहा इल्लाहु पढ़कर खुद पर दम करे, इंशाअल्लाह नींद तुरंत आ जाए। खजूर को गर्म दूध में रात को भिगो के सुबह नाश्ते में बच्चों को खिला दिया करो। खुदा की कसम, अगर फिर भी ताकत नहीं आ रही तो ये या तो प्लास्टिक का खजूर है या ये दूध दूध नहीं है, नहीं आ रही खजूर है। जिसकी औलाद ना होती हो, हर तरह के इलाज के बाद भी ना उम्मीदी हाथ लगी हो, तो एक बार हमारे कहने पर बिना पैसे का इलाज भी कर लीजिए, तो अमल ये है, फजर और ईशा की नमाज के बाद 41 मरतबा अल्लाह का नाम या मदीन जोहर और असर की नमाज। अल्लाह के 3 नामों की बरकतें, वन या रहीमू, जो कोई हर रोज 500 बार पढ़ेगा इंशाअल्लाह वह दौलतमंद होगा और मखलूक उस पर मेहरबान और शफीक होगी। टू या खालिकू, जो 300 बार पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसका दुश्मन मगलूब होगा। السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك। औरतों के दुपट्टे का अजाब। रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुझे मेराज पर ले जाया गया तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की बहुत सारी औरतें सख्त अजाब से मुब्तिला थीं। उनके सर के कमर दर्द और शरीर के दर्द से शिफा की दुआ अल मुकीतु, सुबह शाम 100 मरतबा पानी पे दम करके पिए।
कुछ ही दिनों में सारे दर्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मियां ने शौहर के घर को बीवी का घर करार दिया है, तभी कुरान में आते ना तलाक के बाद ला तुखरिजू हुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, औरत को उसके घर से ना निकालो। हालांकि वो तो शौहर का घर है, शौहर किराया दे रहा है या शौहर मालिक है, लेकिन अल्लाह ताला शौहर के घर को अल्लाह मियां ने शौहर के घर को बीवी का घर करार दिया है, तभी कुरान में आते ना तलाक के बाद ला तुखरिजू हुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, औरत को उसके घर से ना निकालो। हालांकि वो तो शौहर का घर है, शौहर किराया दे रहा है या शौहर मालिक है, लेकिन अल्लाह ताला शौहर के घर को अल्लाहर पांचटे नाम धरे डाकले ही अल्लाह ताला दुआ कबूल करबेन। অনেকেই আছেন দোয়া করছেন, দোয়া কবুল হচ্ছে না, কঠিন বিপদের ভিতরে। কমর দর্দ কি দোয়া ইয়া আল্লাহ ইয়া হাকিমু, যে শখস ইয়ে দোয়া 21 বার কমর কে দর্দ ওয়ালে হিসসে পর দাহিনা হাত রাখকর পড়ে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কে ফজল ও করম সে উসে জলদি আরাম মিল জায়েগা। ইয়ে দোয়া জরুরত মন তক জরুর পৌঁছায়ে অর হামে ফলো। মে ইসলিয়ে জাদা নাহি বোলতি কিউকি মেরি মিঠি মিঠি বাতো সে কিসি কো সুগার না হো জায়ে। तो बेटा बताओ ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? पापा की परी। बेटियां सबके नसीब में कहां होती हैं? घर जो खुदा को पसंद आ जाए वहां होती है। ऐसे भोले बनकर है बैठे। चाचू टाटू चाचू ओए टाटू ओए आजो आटो आजो चाचू आटो टाटू ओए चाचू। दोस्तों अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप उन बच्चों के ऊपर रोजाना 3 मर्तबा बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर दम कर दिया करें। बच्चे हर तरह की बुरी नजर से महफूज रहेंगे। आपके घर में अगर बेटी जन्म ले ले, आपके घर में अगर बेटी का जन्म हो जाए तो अपने आप को गौरव महसूस करना कि सारे तीर्थ मेरे घर में जन्म ले, सारे तीर्थ बेटी के पिता को बेटी। मुझे नहीं पता कि शहजादे कैसे होते हैं, पर मेरे ख्याल से बिल्कुल मेरे भाई जैसे होते हैं। सब कहते हैं कि परियां जन्नत में रहती है, लेकिन ये झूठ है, मैं तो जमीन पर रहती हूँ। नमाज पढ़ा करो, कोई मिले या ना मिले खुदा मिल जाता है, और जब खुदा मिलता है तो सब कुछ मिल जाता है। बेटियां सबके नसीब में कहां होती हैं? घर जो खुदा को पसंद आ जाए वहां होती है। ऐसे भोले बनकर है बैठे। जिसके घर में बेटी पैदा होती है, जब तक वो बेटी बाप के घर से दुल्हन बन के ही निकल जाती, 70,000 फरिश्ते उस घर में रहते हैं, कहते हुए ऐ नाजुक जान से पैदा होने वाली नाजुक जान, जब तक बोन रे शोशुर बाली सबार काछे भालो बहू होते चास कखनोई पारबी ना, साराटा जीवन शेष करे दिबी तादेर जोन्नो करते करते, तबु कोथाओ ना कोथाओ तोर दोष। अगर कोई एक मर्तबा पढ़ ले सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो रब ताला उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमा दे। 5 वक्त की नमाज में से कौन सी नमाज है जिसका नाम माँ से मिलता है? बेटे के बिना माँ होती है अधूरी, बेटे के बिना माँ होती है अधूरी, और माँ के बिना बेटी होती है अधूरी। इनकी दुनिया जिसके घर में बेटी पैदा होती है, जब तक वो बेटी बाप के घर से दुल्हन बन के नहीं निकल जाती, 70,000 फरिश्ते उस घर में रहते हैं, कहते हुए ऐ नाजुक जान से पैदा होने वाली नाजुक जान, जब तक तू जिसके घर में बेटी पैदा होती है, जब तक वो बेटी बाप के घर से दुल्हन बन के नहीं निकल जाती, 70,000 फरिश्ते उस घर में रहते हैं, कहते हुए ऐ नाजुक जान से पैदा होने वाली नाजुक जान, जब तक तू जब भी अपनी औलाद को देखो तो खुदा का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि बहुत लोग तरसते हैं उसे एक नेमत के लिए। हम डाहड़ी वाले हैं जनाब, हमें देखकर लड़कियां तो क्या, लड़के भी अदब से चलते हैं। बाबा जी बेटा, सब बेटों की दुआ क्यों करते हैं? क्या हम बेटियां बोझ होती हैं? बेटियां शहजादी होती हैं, इसीलिए आज जुमे का दिन है
और इस मुबारक दिन के वसीले से दुआ मांगते हैं। या अल्लाह पाक फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, इस्लाम को फतह नसीब फरमा कि तेरे सिवा कोई दुआओं को कबूल करने वाला नहीं। हे अल्लाह, आमाके एतो बेशी धैर्य दिन जेनो पृथिवीर कोनो मानुषेर कोनो कथाय अंतर व्यथित ना हय, जेनो आमार मन शुधुमात्र एकमात्र आपनार कारणे व्यथित थाके, निजेर पापेर जन्य अनुशोचना हय। सारे काम मैं अकेले कर सकती हूं, बस करने का मन नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो बनाना गलत है, ये गुनाह है। मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, पर मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम जो पूरे पूरे दिन किसी गैर महरम की वीडियो देखते हो या फिर गैर मर्द की वीडियो देखती हो। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो बनाना गलत है, ये गुनाह है। मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, पर मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम जो पूरे पूरे दिन किसी गैर महरम की वीडियो देखते हो या फिर गैर मर्द की वीडियो देखती हो, क्या आप जानते हैं कि जो शख्स जुम्मा के दिन अपने नाखूनों को काटता है, अल्लाह ताला उसको 3 इनामात देते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला उस शख्स से बीमारी निकाल कर शिफा अता करते हैं। नंबर 2, उस शख्स को 10 दिन तक तमाम बलाओं से महफूज रख दिया जाता है। मेरी बेटी इतनी क्यूट है कि जब भी उसे देखूं उस पे प्यार आता है, और एक बार नहीं बार बार आता है। लव यू मेरे बच्चे, तुम्हारी क्यूटनेस ऐसे ही बरकरार रहे। अगर आप सच में फलस्तीन की मदद करना चाहते हो, इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे हम इंडिया में हैं, तो कुछ कर नहीं सकते, पर जैसे इजराइल ने फलस्तीनियों का खाना पीना लाइट वगैरह सब बंद कर दिया था, वैसे ही दुकान पर ग्राहक लाने की दुआ, या गनीयू या मुगनी। सुबह सुबह दुकान पे जाने के बाद 50 मर्तबा पढ़कर दुकान पे और अपने ऊपर फूंक ले, इंशाल्लाह कारोबार में बहुत फायदा। अल्लाह से मदद मांगे बगैर कोई मुश्किल हल नहीं हो सकती बेटा। अगर किसी दिन तुम किसी मुश्किल में घिर जाओ तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना ताकि उस मुश्किल से निकल सको। या अल्लाह, मुझे इतना काबिल बना दे कि जब किसी जरूरतमंद को देख सकूं तो उसकी मदद कर सकूं।